ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू एंस अमेजिंग लाइफ। कराची की बारिश और तूफान की सूरत हाल के बारे में एक छोटी सी वीडियो बनाई है, सो आपके साथ भी अपडेट शेयर कर रही हूँ। आज सुबह बेटी को ड्रॉप देने के बाद ना इरादा था कि कुछ सामान कम था घर में, सो ग्रॉसरी वगैरह लेनी थी। और मौसम इतना हसीन हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं, हल्की हल्की फुहार और किसी वक्त तेज़ बारिश, किसी वक्त बिल्कुल हल्की सी, और क्लाउडी सा वेदर, ज़बरदस्ती हवाएँ चल रही हैं। सो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ एक वेदर अपडेट शेयर किया जाए। सो बस अब हम लोग रवा दवा हैं टूवर्ड्स क्लिफ्टन, और ये यहाँ पे सामने आपको हाइपर स्टार या डॉल्फिन मॉल क्लिफ्टन नज़र आ रही है बिल्डिंग इसकी, और इसके आगे की तरफ हम लोग जा रहे हैं। अब सी व्यू क्रॉस किया है, मेन सी व्यू पर नहीं रुकेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे और पूरा नज़ारा देखते हुए जा रहे हैं। क्या ज़बरदस्त खूबसूरत सा नज़ारा है, देखें और कितने थिक से बादल हैं। इनफैक्ट मेन जो सी व्यू वाला एरिया होता है ना, उस पर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और काफ़ी सारे लोग जमा हो जाते हैं ना, तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग ना हो। और बस अब यहाँ पे हम लोग ना उतरे हैं, और ये भुट्टे वाले ने अपना ठेला भी लगाया हुआ है यहाँ पे ना। हम लोगों ने देखा तो ऑलरेडी कुछ फैमिलीज यहाँ पे थी, मौजूद थी, कुछ लेडीज़ थी, कुछ फैमिलीज के साथ कुछ लोग थे। ये ना सी वॉल वाला एरिया कहलाता है, ईमार के काफ़ी करीब है। तबाही मचाने वाली बारिशों का तकरीबन ये छठा अलर्ट था, और ऑलरेडी स्कूल्स तो बंद हैं और अगस्त के महीने में बहुत कम ही ओपन हुए हैं। इस तरह की तूफ़ानी बारिशों से पाकिस्तान जैसे मुल्क में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे बिजली का ना होना, और काफ़ी इलाकों में तो जो नशेबी एरियाज़ हैं बहुत नीचे की तरफ है ना, वहाँ पे तो कीचड़ और पानी भी जमा हो चुका है। मगर यहाँ कराची की आवाम ना बड़ा खुश भी नज़र आ रही होती है और इंजॉय करना चाहती है ऐसे मौसम में, सो काफ़ी लोग तो सी व्यू की तरफ जाते ही जाते हैं। कराची के कुछ रोड्स जो नीचे की तरफ है ना, नीचे की तरफ जो एरियाज़ हैं वहाँ तो पानी भर गया है और कीचड़ भी जमा हो गया है। मतलब बहुत सारे ऐसे एरियाज और रोड्स भी हैं कि बहुत तेज़ बारिश होने के बावजूद भी ना बस थोड़ी देर में ही रोड्स बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, बिल्कुल पानी नहीं ठहरता। इन हाई अलर्ट्स की वजह से ना पुलिस के राउंड्स भी बहुत बढ़ जाते हैं, सो स्पेशली सी व्यू की तरफ। सो अभी भी इस वक्त ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं। एनीवे हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, बस अब हम लोग थोड़ा सा जाएंगे इम्तियाज़ की तरफ, जमजमा पे जो है, और वहाँ से कुछ ग्रॉसरी लेंगे। हम लोगों जैसी काफ़ी फैमिलीज तो ना दूर दूर से बैठ के ही इन्जॉय करते हैं सी व्यू पे, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल अंदर डीप समंदर की तरफ चले जाते हैं, सो उन लोगों को एहतियात करना बहुत ज़रूरी है ऐसे मौसम में। सो बस अब हम लोग पहुंच गए इम्तियाज़ सुपर स्टोर पे, और यहाँ से कुछ हमें ज़रूरी चीज़ें लेनी हैं वो लेंगे और फिर घर की तरफ जाएंगे। लॉक। और रास्ते में ना बारिश एंजॉय करने के लिए मैंने विंडो का शीशा पूरा खोल दिया था, और इतना पानी भी आ रहा था बारिश का, मज़ा तो बहुत आया, मगर ये कि मेरा बैग जो है ना पर्स से थोड़ा सा गीला हो गया। पहले हम लोग परफ्यूम चेक कर लेंगे, ये हमारा मोस्ट फेवरेट काम होता है यहाँ के, एटलीस्ट दो या एक परफ्यूम ज़रूर चेक कर लेते हैं ताकि पता चले कि वो परफ्यूम कितनी लास्टिंग है। अच्छा। और फाइनली आज ना मैंने ये पेन भी, तवा पेन जो है ना, इस तरह की चीज़ मैंने ले ली है, और ये आपको फिर मैं दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। सो इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि जो पुराना वाला तवा था ना वो बिल्कुल अजीब ही उसका शेप आउट हो चुका है, बीच में से ना वो ऊपर की तरफ आ गया है बिल्कुल, और साइड्स उसके नीचे की तरफ बैठ गए हैं। सो बस अब घर वापस आ चुके हैं, मगर बारिश का ये है कि किसी वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है और किसी वक्त बिल्कुल भी नहीं। घर आते ही ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, सो ये कचौरियाँ रास्ते में हम लोग लेते हुए आए थे, और उसके साथ ही बस मैं चाय भी बनाऊँगी और ये खाएंगे। उसके अलावा ना मैंने लंच में कोफ्ते और राइस जो है वाइट राइस वो बिल्कुल रेडी हैं, मगर थोड़ा सा देर से खाएंगे। कुछ देर बाद ही ना मेरे छोटे भाई भी आए थे, और वो ये ब्लू रिबन बेकर्स का केक लाए थे, ये थ्री मिल्की केक कहलाता है, टेस्टी होता है बहुत। For me? Thank you. ये कहाँ से लाई आप? हम्म? आपके पास है? फ्लावर्स हैं, रोजेस हैं?
सो जी, कराची वेदर अपडेट के साथ मैंने एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी वीडियोज़ यूँ ही देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।